भाई जय माता सबको। आज आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK 80 गज का इंडिपेंडेंट फ्लैट, वो भी रामा पार्क बी ब्लॉक की लोकेशन में, मेट्रो सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पे, और भाई टॉप फ्लोर विद रूफ राइट है सिर्फ ही अवेलेबल। हेलो गाइस, मैं अमन फ्रॉम जेएमडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारका मोड से आज आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK 80 गज का इंडिपेंडेंट फ्लैट, वो भी भाई रूफ राइट के साथ में। लास्ट फ्लैट मेरे पास बचा हुआ है, इंडिपेंडेंट भी है, लिफ्ट भी लगी हुई है, कार पार्किंग भी है और टॉप फ्लोर विद रूफ राइट आपको मिलने वाला है। भाई सबसे बढ़िया स्पेशलिटी क्या है, फुली फर्निश आपके लिए रेडी करा हुआ है और 80 गज का 2 BHK देखा है क्या मार्केट में कि मेन रोड के पास आपको ये मिलने वाली है। हार्डली मेट्रो से 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी आपको ये मिलने वाली है, और साथ में भाई 80 से 90% इस पर लोन अवेलेबल है। इंडिपेंडेंट है लोन, भाई कहीं से भी करा लो कोई इशू नहीं आएगा आपको। सारे के सारे वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, दिखता है पूरी वीडियो। भाई सबसे पहले मैं बात करूं हमारे लिविंग एरिया के स्पेस की, तो लिविंग एरिया का स्पेस भी देख लो भाई, कितने ज़बरदस्त स्पेस में आपको ये लिविंग एरिया मिलने वाला है। साथ में अगर फ्रंट वॉल की बात करूं तो फ्रंट वॉल पे हमने आपको एक कस्टमाइज वॉलपेपर लगा के दिया हो, भाई कितनी बढ़िया लुक का वॉलपेपर अब लग रहा है। अपनी मनचाही से चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, लास्ट फ्लैट है और टॉप फ्लोर है, जिसको टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट है ना आके फटाफट ले जाओ, पहले बता रहा हूं वीडियो में। और प्राइस भाई कहीं भी बोल दूंगा, पूरी वीडियो में जरूर देख लेना। इस साइड में आपको मिलने वाला है पूरा ग्रास का काम, और ऊपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है स्प्लिट एसी का पॉइंट। और सोफे प्लेसमेंट की बात करूँ तो सोफा प्लेसमेंट भी देख लो भाई, डार्क और लाइट ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में एक 7 सीटर सोफा हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है विद सेंटर टेबल। और ठीक सामने बात करूँ हमारी टीवी कैबिनेट भी एक बार दिखा दो भाई, तीनों साइड पे आपको इसमें कॉपर ग्लास का काम मिलने वाला है, अंदर आपको वॉलपेपर का काम, साथ में व्हाइट और ब्राउन कलर की कॉम्बिनेशन में पूरा वुडन का काम आपको मिलने वाला है। बड़ी से बड़ी एलईडी प्लेस करो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सेटअप बॉक्स वगैरह यहाँ पे इजीली प्लेस करो, ड्रॉस वगैरह भी नीचे काफी स्पेस के लिए मिल जाएंगे आपको। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखा दो भाई, फॉल सीलिंग का डिजाइन देख लो, रेक्टेंगुलर शेप में फॉल सीलिंग आपको इसमें मिलने वाली है, अंदर कोव लाइट का काम, साथ में कॉपर ग्लास देख रहे हो, चारों तरफ कॉपर ग्लास कितने बढ़िया इसमें लग रहे हैं। दो फैन हमने प्लेस किए हुए हैं, बीच में शैंडलर, कितना ब्यूटीफुल शैंडलर आपको इसमें लगा के दिया हुआ। अब बात करूं हमारी मॉड्यूलर किचन की, तो भाई किचन दिखाने से पहले सर एक बार पार्टीशन दिखा दो भाई, जेएमडी बिल्डर्स का सिग्नेचर वर्क है, कॉपर ग्लास का काम, साथ में व्हाइट और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में पूरी आपको ये वुडन काम उसमें आपको मिलने वाला है। भाई हमने यहाँ पे राजस्थानी बंदे लगा रखे हैं, आराम से गीत गा रहे हैं, तो ध्यान दो सुनाई भी दे जाएगा, प्रॉपर लाइटिंग आपको उसमें मिलने वाला है। अब मैं बात करूँ हमारी मॉडुलर किचन की, तो भाई मॉडुलर किचन का स्पेस भी देख लो, कितने बढ़िया स्पेस में किचन आपको मिलने वाली है, व्हाइट और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में। ओवरहेड्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक्रेलिक शीट का काम मिलने वाला है, और अंदर भाई स्पेस देख लो, काफ़ी स्पेस के साथ काम आपको मिलने वाला है। सेंटर में चिमनी वगैरह हम लोग साथ आपको प्लेस करके देंगे, तो डोंट वरी भाई, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस आपको उसमें मिलने वाला है। देख लो प्रॉपर पार्टीशंस वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिलने वाले हैं, और किसी ने अगर महंगी क्रॉकरी रखनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर काम हमने करके रखा हुआ है, हाइड्रोलिक्स के साथ आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है, तो भाई महंगी क्रॉकरी बिल्कुल सेफ है। और वेंटिलेशन की बात करूँ तो जेएमडी बिल्डर्स का फ्लैट है, एक डक्ट रेडी करके दी हुई है, काफ़ी बढ़िया स्पेस के साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्लैब आपको यहाँ पे मिलने वाली है, प्रॉपर टाइलिंग काम आपको उसके अंदर मिलने वाला है। अपनी गैस स्टोव आराम से प्लेस करो, माइक्रोवेव आराम से प्लेस करो इधर कोने में। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आरओ का पॉइंट भी आपको यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलने वाला है, आरओ वगैरह इजीली प्लेस करो। टैप्स के प्रोविजन आपको मिल जाएंगे, डस्टबिन रखने की स्पेस और ड्रेनेज के पॉइंट सब मिल जाएंगे नीचे आपको यहाँ पे। अब बास्केट्स की बात करें तो कटलरी बास्केट है, आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, सारी की सारी बास्केट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली, वो भी स्टेनलेस स्टील के साथ में और प्रोफाइल हैंडल के साथ में, तो किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखा दो इसकी भाई, किचन को मैंने छोड़ा, फॉल सीलिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है, 3 सर्कल शेप की डिज़ाइन आपको मिलने वाले, और सेंटर में आपको एक हैंगिंग लैंप हमने यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम देख लो भाई, बेडरूम का साइज़ देख के ना मज़ा आ जाएगा, साइज़ क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ हमारे बेडरूम के साइज़ की, तो भाई साइज़ देख लो, पूरे 14x12 के साइज़ में आपको ये रूम मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की बात करूँ तो भाई कोल्डिंग का काम आपको मिलने वाला है, और दोनों साइड पे हमने ग्रूव्स रेडी करे हुए हैं वुडन के काम में, ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में,
साइड टेबल्स के लिए ड्रॉ वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 6x6 का बेड हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। बिल्कुल ठीक सामने बात करो टीवी कैबिनेट की, ब्राउन और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टीवी कैबिनेट भी आपको इसमें मिलने वाला है। ऊपर लाइटिंग का आपको साथ में मिलने वाला है और नीचे ड्रॉज वगैरह के लिए स्पेस भी आपको इसमें ईजिली मिल जाएगा। अब ठीक सामने में बात करूँ भाई, सामने का स्पेस भी देख लो, अलमीरा आपको मिलने वाली है स्लाइडिंग डोर ब्राउन व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, साथ में गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में। स्पेस देख रहे हो, हैंगिंग रॉड वगैरह सब कुछ आपको उसमें प्लेस करके दी हुई है, ड्रॉज वगैरह भी मिल जाएंगे। इस साइड में आपको एक ड्रेसिंग का पार्ट मिलने वाला है भाई, दो लाइट भी आपको मिलने वाली है, काफ़ी लॉन्ग मिरर वगैरह प्लेस किया हुआ है। नीचे कुछ भी भाई माता है बहनों ने कॉस्मेटिक साइड कुछ भी सामान रखा तो ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक स्टडी टेबल, और पीछे का रूम है तो सोच रहे हो ना वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन का भाई देख लो डक्ट रेडी करके दी हुई है काफ़ी बढ़िया स्पेस के साथ में। यहाँ पर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है, वो वैसे भी ग्रीन डेली को सपोर्ट करते हैं तो ग्रास का काम भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ऊपर स्प्लिट एसी के पॉइंट सर, एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दूँ, रेक्टेंगुलर शेप में हमारा रूम रहने वाला है। फॉल सीलिंग देख लो कितने बढ़िया डिज़ाइन के साथ, एलईडी लाइट, कोव लाइट और दो फैन हमने इसमें प्लेस किए हुए हैं भाई। अब दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। सर कॉमन वॉशरूम एक बार अंदर से दिखा दो, काफ़ी बढ़िया स्पेस के साथ में कॉमन वॉशरूम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए पॉइंट भाई, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ प्लेस करके दिए हुए हैं, सारे के सारे सैनिटरी फिक्स्चर्स हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं। और भाई मेरे ठीक राइट साइड में आपको मिलने वाला है इसमें बाथिंग एरिया। भाई अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर, जो हमारा मास्टर बेडरूम है और बालकनी से अटैच रहने वाला है। अब इसके डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो भाई ये वाला रूम भी आपको मिलने वाला है पूरे 14x12 के साइज़ में। फ्रंट वॉल की एक बार से मैं बात करूँ तो फ्रंट वॉल एक बार दिखा दो, कोल्डिंग का काम देख लो, अंदर ग्लासेस का काम आपको इसमें मिलने वाला है। और दोनों साइड पे भाई डिज़ाइंस मिलने वाले हैं वुडन के, ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। दोनों साइड पे आपको एक वॉल लैम्प भी मिल जाएंगे, दोनों साइड पे आपको इसमें साइड टेबल्स भी मिल जाएंगे। स्पेस वगैरह देख लो प्रॉपर स्पेस के साथ में, इस साइड में वो कबर्ड भी मिल जाएगी भाई। स्पेस देख रहे हो कितने बढ़िया स्पेस में, ऊपर भी स्पेस है और नीचे शू रैक के लिए अलग से स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। और इस वॉल पे आपको एक वॉलपेपर का डिज़ाइन मिलने वाला है, और ठीक बिल्कुल सामने आपको मिलने वाला है टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट भी देख लो भाई कितने बढ़िया डिज़ाइन के साथ में, ब्राउन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में, अंदर वॉलपेपर का काम, दो एलईडी लाइट हमसे प्लेस करके दी हुई है आपको। यहाँ पे भाई बड़ा से बड़ा एलईडी अपना लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ड्रॉज वगैरह ईजिली आपको यहाँ पे स्पेस के साथ मिल जाएंगे। अब दिखाता हूँ इसका अटैच वॉशरूम। सर अटैच वॉशरूम भी दिखा दूँ भाई, स्पेस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्पेस देख लो प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट वगैरह प्लेस किए हुए हैं, साथ में ऑल सैनिटरी फिक्स्चर्स हमने इसमें प्लेस किए हुए हैं। नीचे आपको एंटीस्किड टाइल्स मिल जाएंगी भाई, प्रॉपर वेंटिलेटेड फ्लैट इंडिपेंडेंट 2BHK 80 गज, देख लो कितना बढ़िया। और ऑन पेपर 80 गज है बता रहा हूँ, आके चेक भी करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेंटिलेशन की बात करो तो भाई विंडो यहाँ पे आपको प्लेस करके दी हुई है, ऊपर अपना विंडो ए सी ईजिली प्लेस करो, सेफ्टी सिक्योरिटी के बिल्स वगैरह भी आपको इसमें मिलने वाली है। सर इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखा दो एक बार भाई, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लो कितने बढ़िया लुक में, रेक्टेंगुलर शेप की फॉल सीलिंग आपको उसमें मिलने वाली है। कोव लाइट का काम, एलईडी लाइट का काम और दो फैन हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं। अब चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ भाई, बालकनी का स्पेस भी देख लो कितने बढ़िया स्पेस में आपको बालकनी मिलने वाली है भाई। 2-3 बंदे चेयर लगा के आराम से बैठो, और वैसे भी टॉप फ्लोर है, कोई दिक्कत तो आपको उसमें आनी नहीं। वेंटिलेशन वाइज भी प्रॉपर हवादार घर आपको ये मिलने वाला है। सबसे बढ़िया चीज़ भाई बिल्कुल सेपरेट आपको मिलने वाले है वॉशिंग एरिया का पॉइंट, ड्रेनेज के पॉइंट है, टैप्स के रिवीजन और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सीएनएस के ग्रिल्स आपको इसमें मिलने वाली है। और सर लोकेलिटी एक बार यहीं से दिखा दो, लोकेलिटी देख लो फ्रंट रोड पे आपको मिलने वाली है 25 फीट की, और बी ब्लॉक रामा पार्क, बिल्कुल शांत माहौल। तो गाइस ये था मेरा 2BHK 80 गज का इंडिपेंडेंट फ्लैट भाई, फ्लैट कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। इंडिपेंडेंट फ्लैट है, बिल्कुल नियर मेट्रो है, मेन रोड के बिल्कुल पास है, लोकेलिटी रामा पार्क, बी ब्लॉक की आपको उसमें मिलने वाली है। और साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, कार पार्किंग लिफ्ट सब कुछ मिलने वाली है। और एक ही फ्लोर है, 3rd फ्लोर विद रूफ राइट, तो बता रहा हूँ, नंबर मेरे मेंशन है, कॉल कर लो, प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया।